आज ना सबका पानी पूरी खाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा था, तो चलो आज हम बनाते हैं इंस्टेंट पानी पूरी। इसके लिए हम सबसे पहले पानी बना लेंगे और पूरिया मार्केट से ला लेंगे। 1.5 से 2 लीटर पानी बनाने के लिए हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, अदरक का लिक्विड टाइप पेस्ट बना लेंगे। उसे पानी के साथ बाउल में डालकर इमली का पानी स्वादानुसार मिला लेंगे। इमली के साथ मिठास को भी लाने के लिए हम इसमें गुड़ का पानी मिला लेंगे, साथ साथ काले नमक का पाउडर भी हम इसमें मिला लेंगे। सफ़ेद नमक से स्वाद नहीं आता, इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ आप काले नमक का ही इस्तेमाल करें। उसके बाद जीरा पाउडर, साथ ही में इसमें जाएगा धनिया का पाउडर और काली मिर्च का पाउडर। इन सब चीज़ों को हम आप एक साथ मिक्स कर लेंगे, जिससे इन सब चीज़ों का स्वाद एक दूसरे में घुल मिल जाए। थोड़ा सा बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया, अब इसमें सादी या खारी बूंदी जो भी आपको पसंद हो वो आपके हिसाब से थोड़ी थोड़ी मिला लेंगे। पानी पूरी का पानी ठंडा बहुत बढ़िया लगता है और उसकी टेस्ट ही एकदम चेंज हो जाती है, इसलिए हम इसमें बर्फ़ डाल देंगे। पानी पूरी कौन सी भी हो, उसमें अगर चॉप किया हुआ प्याज ना मिलाए तो उसका स्वाद ही नहीं आता। तो चलिए हम अपने हिसाब से प्याज को चॉप कर लेते हैं। एकदम बारीक चॉप किया हुआ प्याज पानी पूरी के लिए एकदम सही होता है। अब हम जो पानी पूरी मार्केट से रेडीमेड लाए थे वो लगा के हम उसमें अपनी पानी पूरी का पानी टेस्ट कर लेंगे। सबसे पहले इसमें जाएगा चॉप किया हुआ प्याज। मुझे आलू मटर वाली पानी पूरी और मटकी वाली पानी पूरी दोनों ही बहुत पसंद है, और दोनों मिक्स कर लेंगे तो टेस्ट में तो 4 चांद लग जाते हैं। चलिए तो दोनों मिक्स करके ट्राई कर लेते हैं। पहले जाएगी मटकी, बाद में जाएगा उबले हुए आलू मटर का घर पे बनाया हुआ रगड़ा। वैसे आपके एरिया में कौन सी पानी पूरी मिलती है, रगड़े वाली कि मटकी वाली, और आपको कौन सी पसंद है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए तो अपना तैयार किया हुआ पानी हम पानी पूरी में डाल लेते हैं। इसमें ऊपर से बारीक सेव और चॉप किया हुआ धनिया मिला लेंगे। अगर आपको पानी पूरी का ये तरीका पसंद आया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अपने प्यारे दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए।